यार वो अपनी बेटिया कॉलेज जाने लग गई है, तो अब कॉलेज वाली अपनी खुद की यादें ताज़ा हो गई है और हम कैसे क्या करते थे, कैसे आए थे क्या। मैंने कहा कि चलो बातचीत करते हैं यार, अभी माहौल पूरी यू कैंपस में, ये UCLA की एक बिल्डिंग है, यहाँ पे नहीं नहीं करके 300-400 बिल्डिंगें होंगी, जिधर देखो ये पूरा इसका लुक इतना बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसा लगता है हॉलीवुड का सेट है, और एक से एक बिल्डिंगें पूरी ये ईंट की बनी हुई, और जहाँ तक नजर जाती इतना बड़ा कैंपस पूरा का पूरा विश्वविद्यालय ही है। यहाँ पे अमेरिका का सिस्टम ही वैसा होता है। अब यहाँ मैंने देखा तो बोर्ड ही लिखा हॉलीवुड एट UCLA, तो UCLA मतलब क्या, लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, और हॉलीवुड माने क्या, लॉस एंजलिस, मतलब ये अड़ोस पड़ोस में ही, मतलब यहाँ से पत्थर फेंको तो बेल एयर जाता है, जो फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर, तो बड़े बड़े भव्य मेंशन और सब वो फिल्मों के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे रहती है, और यहीं से पढ़ के निकलती है। यहाँ पे कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ के थिएटर और फिल्म प्रोग्राम बिल्कुल माने हुए हैं, जैसे NSDA या FTI है ना, तो यहाँ पे UCLA और USC यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, वो है प्राइवेट जहाँ पे शाहरुख का बेटा जाता है, और UCLA ये है सरकारी पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, पूरे अमेरिका की नंबर 1 पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो बड़ा कठिन होता है एडमिशन करना, बड़ा गर्व हुआ हमारी बेटी का हो गया, तो अब ये देख लो यहाँ के लावे लश्करों, अब गर्व से हम घमंड से दिखाएंगे आपको, जब भी आएंगे अलग अलग एरिया से अलग अलग परिचय करवाएंगे। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है हॉलीवुड एट UCLA, ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे UCLA मतलब यहाँ पे स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, फिल्मिंग लोकेशन भी है, लीगली ब्लॉन्ड, स्क्रीम 2 एंड ट्रांसपेरेंट वर शॉट एट करचॉफ, द डेली ब्रुइन हैज मोर, करचॉफ मतलब एक ही जगह, करचॉफ मतलब ये हॉल का नाम करचॉफ है, तो उसे ये एकल्ले इस जगह पे ही 3 फिल्में बन गई, तो अभी पूरी आप देखो, पूरा आप देखो आगे पीछे तक तो कहना कितनी फिल्में बने होंगी, और यहाँ से कहना कितने एक्टर निकले होंगे, और पूरा मतलब हॉलीवुड पूरा यहीं से पनपा है, जैसे सिलिकन वैली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्कली से पनपी है, वैसे ये हॉलीवुड यहाँ से पनपा है। तो चलो तो आपको बताते रहेंगे, और हमारा भी कैंपस बहुत सुंदर था, हम तो अब ये कैलिफोर्निया ये पूरे अमेरिका की 1 यूनिवर्सिटी है, और हमारी 180-200 में आती है लुइजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी बैटन रूज, LSU टाइगर्स, जैसे ये है ना ब्रुइंस, UCLA ब्रुइंस, हमारा था LSU टाइगर, हम वो जब आए थे 1991 में, तो वहाँ पे उनका रियल टाइगर था, पूरा एक उनका पिंजरा है, और वो टाइगर कहाँ से आता था, इंडिया से, रॉयल बंगाल टाइगर, ऐसा जबरदस्त होता था, माइक द टाइगर, टाइगर का भी नाम था, और उसके भी जो अगले बच्चे बच्चे अगले जनरेशन आती रहती, क्योंकि वो टाइगर का बड़ा अट्रैक्शन है, ब्रुइन मतलब होता है भालू, तो यहाँ पे भालू, रियल भालू तो देखने को नहीं मिला, लेकिन भालू की बड़ा जबरदस्त मूर्ति है, तो मतलब ऐसी जैसे कोई आपका रहता है ना चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, सबके लोगो, सबके आइकॉन और सबकी फैन फॉलोइंग और सबके कपड़े और सबकी ब्रांडिंग और सबके रंग, तो पूरा हर यहाँ पे, तो वर्षों से जब मैं नया नया आता था तो उस समय 1991 में तो इंडिया लेवल की भी ब्रांडिंग नहीं होती, जो आजकल नीले कलर की जर्सी और सहारा ने स्पॉन्सर करी और यूडेमी और बाइजू ने स्पॉन्सर करी, और क्या उस समय तो कुछ भी नहीं था 1991 में, और यहाँ पे तो कमर्शियल मार्केटिंग और ब्रांडिंग और अपना अपना हर चीज़ का लोगो, तब से देख रहा हूँ, और तब से मतलब अपनी तो इंडिया पाकिस्तान की टक्कर होती थी, यहाँ पे इनकी UCLA वर्सेस USC, LSU टाइगर वर्सेस अलाबामा क्रिमसन टाइड, ऐसे सबकी राइवलरी, और उनकी राइवलरी अमेरिका वर्सेस कनाडा नहीं मानते, अमेरिका वर्सेस मेक्सिको नहीं मानते, अरे वो तो मतलब शहर वर्सेस शहर, कॉलेज वर्सेस कॉलेज, तो चलो ऐसी बातें अपन करते रहेंगे, चलो यार आओ।